हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में नागरिकता संशोधन बिल व एनआरसी के खिलाफ विरोध मार्च के बाद प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। डीआईजी ने दोनों समुदाय के साथ बैठक में किसी भी बवाल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। डीआईजी दीपक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों पर नागरिकता संशोधन एक्ट का असर पड़ेगा। कहा कि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है, बाकी पूरे देश में कहीं भी इसको लागू नहीं किया गया है। कहा कि पूरे देश में इन कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैंने वहाँ भी लोगों से बात की, आज तो यहाँ काफ़ी मीडिया वाले भी आए हुए हैं। मैंने वहाँ 1-to-1 10-20 लोगों से बात की, मैंने बांदा में लोगों से बातचीत की। पिछले फ्राइडे जुम्मे के से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को मैंने बांदा के जो हमारे शहर काजी थे उनसे मैंने बातचीत की थी। तो उस समय से तो हमें लगने लगा था कि लोगों के मन में काफ़ी भ्रांति है, और उनको मैंने जब बातें बताई तो वो समझे, और मैं धन्यवाद दे दूंगा बांदा के शहर काजी और वहाँ के मुतवली का कि बांदा में उन्होंने कोई भी जुलूस शुक्रवार को जुमे को नहीं निकलने दिया। और फिर विस्तार से मेरी उनकी बातचीत। कल मैं जब कुलपहार गया था तो कुलपहार में जब लोगों से मैंने बातचीत की तो लोगों की सोच टोटली डिफरेंट थी। उनके मन में एक ऐसा अदृश्य भय था इस बिल को लेकर के, और ये 2 पेज का बिल, इस बिल को आप लोग पढ़िएगा और मैं इसको हिंदी में भी अनुवाद करके, और मेरे उर्दू अनुवादक होंगे भाई, तुकला कहाँ गया है सचू साहब, हमारे थाने में उर्दू अनुवादक, तो उससे जरा उर्दू में भी अनुवाद करके भिजवा दे, मैं आप लोगों को दिलवा दूँ। ये 2 पेज का बिल है, 2 एक्ट अभी अब कानून बन गया है बिल से, कैब कहते थे अब सीए हो गया। मैं जब कल कुलपहार गया तो वहाँ जो लोग मिले हमसे, वो हमसे कह रहे थे कि साहब अब हमको सिटीजनशिप के लिए वो कार्ड दिखवाना होगा। तो किसी ने हमसे कहा, एक सज्जन थे, बुजुर्ग थे, कि हुजूर मेरे फादर ने 1957 में मेरे वालिद ने कोई ज़मीन बेची, मैं तो उस ज़मीन का कागज ढूंढ रहा हूँ। तो हमने कहा ये सब वहाँ किसने आपको दे दिया, बोला ये इंटरनेट पर। और जो हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।